जैसे उसके काम हैं, हम बीजेपी में कोई खास मन से गए भी नहीं थे। सुना तो ये भी था, आपने ये कहा था आज के बाद हम कोई पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं। और से जब बीजेपी में आप शामिल हुए थे? नहीं, मैंने ऐसे बात नहीं कही थी बीजेपी छोड़ने के बारे में। हम बीजेपी में तो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमें एक बहुत बड़ा धोखा दिया था, और उस समय माहौल कांग्रेस का हर घंटे अच्छा बनता जा रहा था और बीजेपी का माहौल खराब होता जा रहा था कि कहीं वह कांग्रेस के और जो आदमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं वह सत्ता में ना आ पाए, इसलिए हमने उस समय माहौल खराब करने के लिए ये कदम उठाया। पॉलिसी है और हमारी सरकार की जो पॉलिसी है वो स्टैंड अप पॉलिसी है, यानी कि आप फ्री में लोगों को चीजें बांटते हैं और हरियाणा सरकार है वो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करती है। ये बात सही कह रहे हैं मनोहर लाल जी कि हमारी डाउन पॉलिसी है। हम जो समाज के अंदर डाउन आए हुए लोग हैं उनको बराबर लाने की बात करते हैं, और इनकी अप पॉलिसी है अपर क्लास को। 85% पैसा देश का एक जगह इन्होंने इकट्ठा कर दिया, ये अपने मंत्रियों के अपने सांसदों का घर भरने के अंदर लगे हुए हैं, इनकी अप पॉलिसी है। और हमारी पॉलिसी है समाज के नीचे वाले तबके को साथ लाना। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता और उनके साथ वीरेंद्र मराठा, और वीरेंद्र मराठा ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उनके साथ तमाम और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो कुनबा है आम आदमी पार्टी का वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और 29 तारीख को कुरुक्षेत्र में एक बड़ी रैली अरविंद केजरीवाल करने जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वहां से काफी ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो सकते हैं। लेकिन आज वीरेंद्र मराठा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले वो तमाम पार्टियों में रहे हैं, कांग्रेस में वो रहे, बीजेपी में वो रहे, बहुजन समाज पार्टी में वो रहे, और आज आम आदमी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया है। कई बार उन्होंने चुनाव भी लड़ा है लेकिन चुनाव में जीत हासिल नहीं हुई, कई बार वो नजदीक पहुंच कर हार गए, और आज उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी ज्वाइन की जा रही है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज वीरेंद्र मराठा जी आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, कितनी मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी को? वीरेंद्र मराठा जी एक पूर्व IAS अधिकारी, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने लड़ाई शुरू की समाज की बराबरी के लिए, जिन्होंने समाज जो अधिकारों से वंचित रहा उनके अधिकारों को दिलाने की लड़ाई शुरू की और एक लंबा संघर्ष किया। इनके मन के अंदर इच्छा थी कि पूरे मराठा समाज को और 36 जात को एक जैसे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, साधन विहीन जीवन ना जिया जाए। आप अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से प्रभावित हुए, उनके दिल्ली के काम को देखा, बदलते हुए पंजाब को देखा, और हमारा निवेदन उन्होंने स्वीकार किया कि आम आदमी पार्टी के अंदर आए। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में वीरेंद्र मराठा जी के आने से निस्संदेह मजबूती होगी। आम आदमी पार्टी इनका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है, और इन जैसे ईमानदार छवि के लोगों का हमेशा आम आदमी पार्टी के अंदर एक विशेष स्थान रहा है। आम आदमी पार्टी हरियाणा की बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, हरियाणा के गुंडा राज को खत्म करना चाहती है, हरियाणा के अंदर जिस कदर महिलाओं के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है उनको बराबरी का हक दिलाना चाहती है, हरियाणा के किसान को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कभी आतंकवादी कहता है तो कभी इनकी जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर बताता है। पूरे साल खेत में मेहनत करने के बाद भी इस प्रदेश का किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ रहता है,
इन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे डिस्पेंसरी, अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए 24 घंटे बिजली और पानी दिल्ली की तर्ज पे फ्री मुहैया कराने के लिए आम आदमी पार्टी वचनबद्ध है। सबसे पहले इस प्रदेश के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी ये नगर निकाय के चुनाव लड़ रही है, अपने सिंबल पे लड़ रही है और पूरी की पूरी नगर निकाय का भ्रष्टाचार खत्म करके अब वहाँ पे अच्छी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं देंगे ताकि हरियाणा के भ्रष्टाचार को खत्म करने की शुरुआत इन चुनावों के साथ। इसका बिगुल बजाने के लिए 29 मई को कुरुक्षेत्र में आप बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, वहाँ पे हम इन सब बातों की चर्चा करें। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है वो सिट डाउन पॉलिसी है और हमारी सरकार की जो पॉलिसी है वो स्टैंड अप पॉलिसी है, यानी कि आप फ्री में लोगों को चीजें बांटते हैं और हरियाणा सरकार है वो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करती है। ये बात सही कह रहे हैं मनोहर लाल जी कि हमारी डाउन पॉलिसी है, हम जो समाज के अंदर डाउन आए हुए लोग हैं उनको बराबर लाने की बात करते हैं और इनकी अप पॉलिसी है, अपर क्लास को 85% पैसा देश का एक जगह इन्होंने इकट्ठा कर दिया। ये अपने मंत्रियों के, अपने सांसदों का घर भरने के अंदर लगे हुए हैं, इनकी अब पॉलिसी है और हमारी पॉलिसी समाज के नीचे वाले तबके को साथ लाने के। पंजाब में मंत्री चुनाव आने वाले हैं, जिस आप इसको समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की ये परीक्षा होगी, बहुत बड़ी परीक्षा होगी, इसमें कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए आम आदमी पार्टी इसके अंदर भारी बहुमत से जीत रही है, लोग चाहते हैं परिवर्तन हो और आम आदमी पार्टी सभी 40 जगह पे सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। पंजाब में इस प्रकार से मंत्री पर कार्रवाई की गई, इसके बारे में क्या कहेंगे? इस देश के अंदर आज तक मंत्रियों को बचाया जाता है, छुपाया जाता है, वो मर्डर भी करते थे, कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। आपने यूपी के अंदर देखा होगा देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने मर्डर किया, मंत्री की गाड़ी से किया, छुपाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि अंदर भेजो, मंत्री आज भी बना हुआ है। कितने मंत्रियों के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको 10-10 साल की 20-20 साल की कैद भी कर दी, हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी लगे, केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी लगे, परंतु आज तक किसी ने माना नहीं। इस देश के अंदर आज तक दो एग्जाम्पल हुए हैं, पहला एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 6 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप के अंदर उसको हटा दिया था, सबसे पहले। दूसरा एग्जाम्पल पंजाब में हुआ, वो भी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कैबिनेट के साथी को हटाया। पब्लिक के पास मुद्दा नहीं था, पुलिस के पास मुद्दा नहीं था, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं था, परंतु मुद्दा इस देश के भ्रष्टाचार को जड़ मूल से खत्म करने का है। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देखा कि उसका एक मंत्री 1% रिश्वत मांग रहा है, तो सबसे पहले एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री खुद ना केवल मंत्री पद से हटा, जेल के अंदर भेजा और पूरे देश के अंदर एक संदेश दे दिया कि भ्रष्टाचार का भी देश के अंदर स्थान नहीं है। अगर देश को तरक्की चाहते हो, देश के अंदर अच्छे स्कूल हॉस्पिटल चाहते हो, तो ये जो लीडर और अफसर मिलकर इस देश को खा रहे उसको हटाना होगा। हरियाणा सरकार के मंत्री कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से संबंध रखते हैं, उन्होंने हरियाणा का नमक खाया है, फिर SYL का पानी भी दे दें, अब तो आपकी सरकार है पंजाब में, इतनी देरी क्यों? 55 साल पहले हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे, केंद्र में BJP की सरकार रही, हरियाणा में BJP की सरकार है, पंजाब में भी कैप्टन इन्हीं का था और उससे पहले इनकी सरकार थी, ऐसे कांग्रेस की भी तीनों जगह सरकार रही है। मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, हम बैठ के मुद्दा हल करना जानते हैं, हम बैठेंगे मुद्दा हल करेंगे। कब देंगे सर, अब तो आपकी सरकार है। मैं कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, 2024 में हमारी यहाँ भी सरकार आ रही है, हम आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, बातचीत से बड़े मुद्दे हल हो सकते हैं, ये बात नहीं करना चाहते। 2024 तक बड़ी स्पष्ट बात ये कह रहा हूँ कि बैठेंगे, हर मुद्दा बैठ के हल हो सकता है, जो भी प्रदेश है
हर प्रदेश को अपने हक का पानी मिलना चाहिए, पंजाब को भी मिलना चाहिए, हरियाणा को भी मिलना चाहिए, दिल्ली को भी मिलना चाहिए। कपिल देव आपके संपर्क में है? कपिल देव ज्वाइन कर रहे हैं हमारी पार्टी? देखिए, जितने भी ईमानदार अच्छे व्यक्ति है वो सब चाहते हैं कि अब विकल्प आम आदमी पार्टी है, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। कपिल देव आ रहे हैं, कपिल देव आ रहे हैं, जब आएंगे तो पता चल जाएगा सर। करण चौटाला उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी का हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, आजकल इनको एयर कंडीशन में पसीने आने लग रहे हैं, उनको तो हुआ दिख ही रहा है, जनता बदल रही है ना। जनता पूरा गांव हाथ खड़ा करके जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उनको आम आदमी पार्टी हुआ ही दिखाई देगी। ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार दिए गए हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में, आज फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। जो भी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होंगे, इस देश की न्याय व्यवस्था अपना रास्ता लेगी, पहले भी रास्ता लिया, आगे भी रास्ता लिया। क्या कहना चाहेंगे मराठा जी, बहुत सारी पार्टियां आपने देखी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, और अब आ रहे हैं आप आम आदमी पार्टी में, यहाँ मन लगेगा आपका? जो विचारधारा आम आदमी पार्टी जैसी किसी की नहीं है। दूसरा, क्रियात्मक रूप से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में अब 2 महीने से ऊपर सरकार को हो गए, इन्होंने जो करके दिखाया है और उससे साफ स्पष्ट संदेश है कि जो ये कह रही है वह यह निश्चित रूप से करने भी जा रही है। और हमारे जो बात को लेकर हम राजनीति में शुरू में आए थे, वो सारी की सारी बातें आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी में माननीय अरविंद जी केजरीवाल, समझिए ईश्वर की विशेष कृपा हुई है कि उन्होंने अपने अंदर इतनी ताकत इकट्ठी की है कि कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों का मुकाबला करके निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में निश्चित रूप से दिल्ली में भी और चंडीगढ़, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी की छोड़ने की नौबत क्यों आ गई? बीजेपी तो जैसे उसके काम हैं, हम बीजेपी में कोई खास मन से गए भी नहीं थे। सुना तो ये भी था, आपने ये कहा था आज के बाद हम कोई पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं। कौन सी? जब बीजेपी में आप शामिल हुए थे? नहीं, मैंने ऐसे बात नहीं कही थी बीजेपी छोड़ने के बारे में। हम बीजेपी में तो सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि कांग्रेस वालों ने हमें एक बहुत बड़ा धोखा दिया था और उस समय माहौल कांग्रेस का हर घंटे अच्छा बनता जा रहा था और बीजेपी का माहौल खराब होता जा रहा था कि कहीं वह कांग्रेस के और जो आदमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं वह सत्ता में ना आ पाए, इसलिए हमने उस समय माहौल खराब करने के लिए ये कदम उठाया। आम आदमी पार्टी से अगर आपको टिकट ना मिली असंध की तो आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ देंगे? अक्सर देखा कि ये पूरी बातचीत होके गए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं तो बिना शर्त कर रहे हैं। ये देखो, ये बातें पार्टी के अंदर की हैं और ये तो वैसे सामने सबके करने की बातें मतलब नहीं टिकट पर बातचीत। वो हम जाने, डॉक्टर सुशील जी गुप्ता जाने और माननीय अरविंद जी केजरीवाल जाने और आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता जाने। आपकी जो पार्टी थी एकता शक्ति थी उसका विलय किया था बीजेपी में? देखो, विलय होता है जब तक वह पार्टी के आदमी उसमें रहते हैं। पार्टी के आदमी जब अलग होते हैं और अपनी पार्टी अलग खड़े करने की बात करते हैं तो पार्टी दोबारा फिर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब अरविंद जी केजरीवाल ने बातें सारी की सारी ली हुई हैं जो एकता शक्ति पार्टी लेके चल रही थी, तो हमें अब जरूरत नहीं है इधर उधर देखने की और हम दिल से मिल के काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और समाज जो चाहता है उसको वह मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा शासन प्रशासन से। और जिस चीज़ के लिए समाज तड़पता रहा है बस समाज की सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होने जा रही है। फेविकोल का जोड़ है अब आम आदमी पार्टी के साथ या टूट जाएगा? फेविकोल तो फीका पड़ जाएगा, हम इतना पक्के जुड़ाव के। अब दोबारा पार्टी नहीं छोड़ी जाएगी, दोबारा पार्टी नहीं छोड़ी जाएगी। करने का नहीं है, करने का नहीं है। मराठा जी, ऐसा है जी, ऐसा है, घर आदमी देखता है, ठीक है, तो उसको जब घर ठीक लगता है तो उसमें रहता है जी, ठीक है, जाके देखेगा तो सही। आम आदमी पार्टी हमारी देखी हुई है, दिखा दिया इन्होंने तो कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी सच्चे पक्के आदमियों की है, इसमें चलाकियाँ नहीं है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि आदमी की 2 बातों से पता लग जाता है कि इस आदमी के मन में कपट है कि नहीं, या सच्चे मन के हैं, सरल मन के हैं,
जो बात है मुंह पे कहने वाली। कई पार्टियों का दामन थामने के बाद आज वीरेंद्र मराठा ने आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता की अध्यक्षता में ज्वाइन कर ली। 29 मई को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल एक बड़ी रैली करने वाले हैं और वहां पर कई और नेता भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सिट डाउन पॉलिसी है और बीजेपी की स्टैंड अप पॉलिसी है, तो इस पर सुशील गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम गरीब तबके को अपने साथ जोड़ रहे हैं और जो बीजेपी पार्टी है वो अपने विधायकों का और सांसदों का घर भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन वीरेंद्र मराठा ने कई पार्टियों से चुनाव लड़ा है, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, उससे भी चुनाव लड़ा, लेकिन अब उन्होंने दामन थाम लिया है आम आदमी पार्टी का। उन्होंने कहा है कि ये जो जोड़ है वो फेविकोल से भी मजबूत है। ऐसे में देखना ये होगा कि वीरेंद्र मराठा के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद असंध की राजनीति में क्या बदलाव आता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।